ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। गाल की आई वरी बहुत तुझे संग जी गाल की आई घोड़ा आई किसा संग जी गाल की बाबा चाचा जो मन चाहो कहानी पीरल आई नूरी जो ब्याह कराए वाली मेरा खुदा का नाम है, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, ऑफिस का काम कर रही हूँ मैं। नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम ऑफिस का काम ऑफिस में क्या करो, हर जगह ऑफिस खोल के बैठ जाती हो। भाई ऑफिस के बजाय मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो, ठेला लगा लो, जहाँ मर्जी बंदा लगा ले। तुमसे तो बात करने से बेहतर है बंदा अपना सर दीवार में मार दे। देखा, दिल की बात जबान पे आ गई। अरे भाई मैडम, मैंने सारा सामान लोड करा दिया है। वैसे एक बात बताए, फजूल में इतनी मेहनत कराई आपने, वेयरहाउस से भेज देती। नहीं नहीं, वहाँ से भिजवाती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए ऑर्डर मैंने घर पे मंगवाया था, बिना वजह 3 घंटे जाया हो जाते हमारे। चलो ठीक है, चलो जी मैं तो रेडी हो गया हूँ, मैं जरा सामान डिलीवर करने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ड्रामा बता दो, वही लगा लेते हो, कोई काम भी कर लिया करो, हर वक्त टीवी टीवी टीवी। अरे पापा मैं आती हूँ, ड्रामा फिर मैं यही दोबारा देखूंगी। खेड़ी वड़ी भरता मारो। कितना शोर इतना शोर। हेलो, क्या एक कार्टन कम है? ऐसा कैसे हो सकता है? हद करते हो जानी तुम भी। रुको मैं देखती हूँ। हाँ हाँ रुको जानी देखती हूँ, पहले बता ही तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। हाँ ये कार्टन तो यहाँ पड़ा हुआ है। जानी तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। तुम वापस? नहीं नहीं बहुत टाइम जाया हो जाएगा। तुम ऐसा करो वहीं रुको, मैं ही गाड़ी में लेकर आती हूँ, पर पहले ध्यान से काम किया करो। बच्चू बच्चू। अरे बाबा क्या हो गया, क्यों आवाजें दे रही हो? बच्चू ये कार्टन जाने यहाँ भूल गया, ये उठा के जरा गाड़ी में रख दो, मैं छोड़कर आती हूँ। अरे बाबा क्या हो गया सीमा तुम्हें, मैं मालिक आदमी हूँ बाबा, ये नौकर का काम है, अपना काम पूरा नहीं करता है मैं करूंगा उसका काम, उसको बुलाओ आके, बोलो कि कार्टन लेकर जाए। बच्चू बच्चू जरा मैं का एपी साट किधर पहुंचा, लगाओ। जरीना जरीना। अरे बाबा क्या तकलीफ है? जरीना मेरी प्यारी बहन, मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगी? खुद कुछ ही करनी है तो बताया रू, वरना नहीं। ये ना कार्टन मेरे साथ उठवा के गाड़ी तक छोड़ दो, मैं बाकी मैं खुद ही ले जाऊंगी। अरे बाबा ये मजदूर वाले काम मुझे करने का कोई शौक नहीं है, खुद ही जाके करो। सभी हड हराम है इस घर में। Thank you.
जरीना जरीना बच्चू जरीना। अरे बाबा क्या हुआ, क्या हुआ जरीना को? अच्छा ये कारनामा तुमने किया ना, तुमने मारा ना जरीना को? नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बाबा तुम नहीं मारा है मेरी बहन को। अरे सबर करो, कुछ नहीं हुआ, अभी होश में आ जाएगी, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है ये। अरे बाबा मजाक कर रही हो, अगर होश ना आया तो फिर समझ लेना उस दिन तुम्हारी बीवी दुनिया की खुश नसीब औरत बन जाएगी। अरे बाबा बकवास बंद करो, उठाओ जरीना को। जरीना अरे बाबा जरीना उठ। बस जरीना जरीना इसको तो होश नहीं आ रहा है, उठाओ ना बाबा लेकर चलो। अरे बाबा जरीना को होश आ गया, सीमा जरीना को होश आ गया। कैसी है मेरी बहन? अबे ओ कौन बहन कौन जरीना? अरे बाबा तू जरीना मेरी बहन? अबे ओ दिमाग खराब हो गया क्या? मैं डाकू हूँ, डाकू डाकू हसीना, चल पैसे निकाल। अरे बाबा जरीना क्या बात कर रही है, मैं तेरा भाई हूँ अदा बच्चू। अबे कहाँ ना पैसे निकाल, ये भाई का बहन और बहन का भाई करना छोड़, निकाल पैसे वरना ये छुरी तेरे पेट में घोंप दूंगी। अरे बाबा सीमा। अबे क्या समझता है तू, हसीना डाकू को बहन बनाएगा तो तुम बहन बन जाएगी। अबे तू जानता नहीं हसीना डाकू को किस बला का नाम है, 300 डाके और 99 कत्ल किए, बाहर निकल। बड़ा आया। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा क्या हुआ? अरे बाबा वो जरीना मर गई। अरे नहीं बाबा वो तो सबको मारने पर तुली हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था इतनी आसानी से नहीं मरेगी, हम सबको लेके मरेगी। हाँ बाबा लगता है बेगम तुम्हारी आज बात सच साबित होने वाली है, वो सबको मारने पर तुली हुई है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, छुप क्यों रहे हो? अरे बाबा पता नहीं जरीना क्या ऑल फॉल पके चली जा रही है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चाकू लेकर घूम रही है बाबा। है पागल हो गई है क्या? चलो मेरे साथ 2 मिनट में उसका दिमाग टिकाने लगाऊंगी। नहीं बाबा, चलो नहीं बाबा, चलो बच्चू चलो। अच्छा बाबा चलो। सीमा सीमा आओ आओ मेरे साथ, कहां है जरीना? अरे बाबा पता नहीं किधर चली गई है जरीना। आप कहीं सदमे वदमे की वजह से पागल तो नहीं हो गए? अरे बाबा चलो दिमाग खराब हो सकता है, मैं पागल हो सकता हूँ, अंधा तो नहीं हूँ ना, इतना बड़ा चाकू है उसके पास। हाँ ना बच्चू कमरे में देखा उसको? हाँ बाबा देखा है लेकिन नहीं है कमरे में भी। तो और गार्डन में? बाबा गार्डन में जाने की हिम्मत नहीं, आप देखो ना जाके, मुझे डर लगता है। इतना डरपोक है ना, मैं देख क्या? देख के आराम से जाना बाबा, आराम से जाना, कहीं कतर रहा है बहुत। वो तो वहाँ पे भी नहीं है। नहीं है। आए मेरी बहन बाबा, आए जरीना गुम हो गई बाबा जरीना। चलो जी अब एक नया तमाशा शुरू हो गया इस घर में, कभी उसके हाथ में चाकू आ जाता है, कभी वो गायब हो गई है। हाथ धोगी बच्चू? बच्चू बस करो, मानती हूँ कि बहन का सदमा बहुत बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि रो रो के खुद को ही पागल कर लो। मैं क्या करूं, मेरी एक ही बहन थी जरीना, जरीना मैं बाबा से कुछ मुझे कहा जरीना, ये क्या मजाक है? अबे ओए मैं जरीना नहीं हूँ, डाकू डाकू हसीना। अच्छा हसीना होने का खपत यहाँ भी सर पे सवार है, ड्रामे बाज में भी हसीना तो बनना ही है। अबे ओ चुपकली के मुंह वाली चुप कर वरना ये चाकू ना घोंप दूंगी। तमीज से बात करो मुझसे जरीना। अच्छा तो तू मुझे तमीज सिखाएगी, ये चाकू ना घोंप दूंगी। बच्चू ये तो वाकई सीरियस लग रही है, तो मैं मजाक कर रहा था क्या? अबे ओए अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और जितना पैसा और जेवर है सब कुछ मेरे सामने लेकर आओ वरना यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी। अरे जरीना हमारे पास कुछ नहीं है, जल्दी जाओ अंदर शाबाश, और अंदर जो कुछ भी रखा है जल्दी लेकर आओ, मेरे सामने रखो सारा सामान। हमारे पास तो सारा तोड़ा सही है, अंदर जाओ। जरीना कुछ नहीं है हमारे पास, लेकर आओ वरना। चलो बाबा चलो अंदर, चलो बाबा अंदर चलो, बहुत खतरनाक। जरीना 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 ब्लड प्रेशर मेरा हाई कर दिया, कौन है ये जरीना? कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
अरे बाबा जाओ जल्दी। कर दो बंद कर दो इसको। देखा देखा मैं कहती थी ना कि बाबा चानी को बोलो जायदाद का बंटवारा कर दे और इसका हिस्सा ना इसको दे दे। आज ये नौबत नहीं आती, हमारा रुपया पैसा छीन रही है हमसे। अरे बाबा तुमने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे ये पता है कि तुमने बाबा जानी का नाम लिया, क्यों ना उनको फोन करके मैं यहाँ बुलवा लूँ। हाँ हाँ ताकि वो भी अपनी बेटी का पागल बनना अपनी आंखों से देखे। हाँ बाबा कर फोन कर दो बाबा। हेलो बाबा जानी जल्दी से आ जाए, जरीना पागल हो गई है। अरे नहीं बाबा मैं पागल नहीं हुआ, जरीना पागल हो गया, बस जल्दी से आ जाए। वैसे बच्चू मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम चल के जरीना को समझाएं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। बाबा तुम कहती हो तो चलते हैं, चलो। तुम दोनों तुम लोग क्यों आई हो? अब मेरा मतलब है कब से आई हुई और अंदर कैसे आई? क्या हुआ शाम सूंघा क्या तुम दोनों को जो बोल नहीं रही हो? अब ये हरगिज़ मत कहना कि वो पागल यहाँ आई थी और ऐसा ऐसा चाकू दिखाकर डरा दिया तुम दोनों को। चाकू चुप, बकवास मत कर, चलो अपना बैग निकाल, ओए मोबाइल दे। सीमा ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे होते हुए ये क्या हो रहा है? अबे ओ बकवास बंद कर, इसके लुटने के बाद ना तुम लोगों की बारी है, चल निकाल निकाल मोबाइल। सीमा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अपनी नन को, देखो तो सही क्या क्या बोलने जा रही है। अबे ओ ये जानती है कि मैं हसीना डाकू और हसीना डाकू के दिल में रहम नहीं होता, निकाल पर्स वरना गोप कर रख दूंगी, निकाल। अबे निकाल ले, इधर देख आई। सीमा मैं नहीं चाहती, मुझे मेरा पर्स वापस चाहिए। मेरा भी हद होती है घर में डाकू पाले में। सीमा अगर शाम तक मुझे मेरा पर्स वापस नहीं मिला ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मैं भी पुलिस कंप्लेन करूंगी। तू भी करेगी, डबल कंप्लेन का क्या फायदा? फिर मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। हाँ ये सही है। चुप करो तुम दोनों, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम दोनों मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगी पुलिस में? हाँ तो दोस्तों को घर लुटवाने के लिए बुलवाते हैं। मैंने बुलाया था तुम दोनों को यहाँ पर, उसके कहने पे अंदर आई थी ना, अब भुगतो। देख लेंगे उसको तो। बच्चू तो बड़ा होकर क्या बनेगा? अरे बाबा अब मजीद कितना बड़ा होगा, इससे बड़ा हुआ ना तो मेरे नाप के कपड़े भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे पता ही है क्या बनना चाहता था। क्या? बैल। बैल? अरे भाई जिस तरह इसके दिमाग में हर वक्त गाय बैल सवार रहती है ना, तो इसका यही मतलब है कि बड़ा होकर बैल बनना चाहता था। वैसे मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना चाहता था। और मैं डाकू। अरे बाबा डाकू की बात नहीं करना। क्यों भाई? बाबा एक जाती मसला है बस, तुम डाकू का नाम नहीं लेना। अरे बच्चू बताओ तो क्या बात है? बच्चू क्या हो गया तुझे? बच्चू तू तो ऐसे कर रहा है जैसे डाकू तेरे सामने आ गया हो। अच्छा तो डाकू असली में आ गया है और उसने हमारी गर्दन पे चाकू भी रख दिया है। और वो भी ये वाला चाकू। अरे बच्चू ये तो तेरी बहन है ना? मैं तो डर ही गया था। अबे चुप कर, बैठ गए भाई, जब से मैं आया किसी ना किसी रिश्ते के साथ मुझे जोड़ो। बच्चू ये क्या क्या कर रही है यार ये? अरे बाबा ये वही मसला जो मैं कह रहा था साथी वाला। अरे बहन हमें माफ कर दो। अबे ओ ये बैठ किसको बोल रहे, चल जल्दी से निकाल। और तू क्या छावनी में घूमने, निकाल अपना मोबाइल फोन, यही तेरी आंखें रंतड़िया, निकाल 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 तू भी। भागो चला। अरे बाबा मैं भी भागू। Thank you.
नाक कटवा दी है। शुक्र करें नाक कटवाई है, वरना वो तो हम सबके गले कटवाने वाली थी। तो देखो पापा, मेरे सारे दोस्तों को जो है ना लूट लिया उसने। मेरी दोस्तों को भी क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में। आप बाबा चली को फोन करें, उनसे पूछे वो कब आ रहे हैं। बाबा करता हूँ, जरा सोचने तो दो। चलो बाबा देख। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अच्छा तो हसी रहे डाकू से होशियारी, कमरे में चुप 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 के फोन कर रहे थे। हाथ पकड़। लगता है जरीना एक्सरसाइज करवा रही है। चोरी, उस दिन मैं सारा दिन ढूंढता रहा हूँ, एक तो मेरी चोरी उठा के लेके चली जाती है, उस दिन मुझे आलू दांतों से छिलने पड़े। लाओ मुझे, लाओ चोरी दो मुझे। ये क्या तुमने जरीना जरीना लगा कर के? मैंने तुम्हें कहा ना मैं डाकू हसीना हूँ। क्या हो रहा है? टाइम तो छोड़ो। नहीं देखो, अभी बिल्कुल मूड नहीं है मेरा, बिल्कुल मूड नहीं है उठने का। अम्मी, पहले बताना था ना कि मामला तो यहाँ तक पहुँच गया। उठ, उठ। मैंने तुझे कहा था ना कि हसीना डाकू से मत उलझ जा। मैंने 300 डाके और 99 कत्ल किए। भाई वाह, एक कत्ल रह गया, वो कर देती ना तो सेंचुरी पूरी हो जाती मैडम हसीना की। हाथ पकड़, हाथ पकड़। बाने बाने से हाथ नीचे करो तो एक टांग में खड़ा कर दिया। हाथ पकड़। देखे जरीना मैडम, ओ मेरे मतलब हसीना मैडम, अगर हाथ और पांव हवा में हो ना तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इंसान हूँ, कवा थोड़ी हूँ। देख लूंगी मैं तुम लोगों को, देख लूंगी। मैं बाहर देख के आता हूँ। बच्चू अब तो हाथ नीचे कर लो। अरे बाबा, अब तो आदत ही हो गई है। कौन आया बाबू? सर मेरा मोबाइल, सर मेरा लैपटॉप, सर मेरा मोबाइल लिया सर, सर मेरा लैपटॉप यार। अच्छा अच्छा अच्छा, खामोश खामोश खामोश, सबको सारी चीजें मिल जाएंगी। मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली हैं, मैं अभी जाके पूछताछ करता हूँ। आप लोग जाएं, मैं जो कुछ होगा आपको फोन पर बताऊंगा। जाइए आप लोग। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। काए 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 काए, अरे क्या कब्बे की तरह काए काए कर रहे हैं? सारी शिपली हमने मार दी, अब आया जा सकते हैं आप। अरे मैं डाकू हसीना का पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? गलत जगह सनसनी फैला रहे, वो अंदर है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। वो दर्द कहाँ है? वो कहाँ है? अरे अरे बाबा, कौन कहाँ है, क्या हो गया? डाकू हसीना जो पूरे मोहल्ले को लूट रही है, जानती नहीं कि इस इलाके का SHO मैं हूँ, मैं SHO बिग। अरे बाबा, ये तो जरीना को पकड़ लेंगे। अबे पागल हो गया क्या? मैं जरीना को नहीं, डाकू हसीना को पकड़ने आया हूँ। अरे बेग साहब, यही तो मसला है, वो हसीना तो बन नहीं सकी, तो उसने सोचा मैं डाकू बन के हसीना बन जाऊ। क्या मतलब है? मुझे क्या पता। बेग साहब आप बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। वो दरअसल बेग साहब, ये थी सारी कहानी। मुझे लगता है इसी वजह से जरीना की याददाश्त खो गई है। अरे बाबा, शायद नहीं, यकीनन मेरी बहन डकैत थोड़ी है। अच्छा, मेरी मालूमात के मुताबिक जिस जगह चोट लगी हो, अगर दोबारा उसी जगह चोट लग जाए ना, तो अक्सर लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस चीज को? आप लोग तो ऐसी ऐसी जगहों पे मारते हैं कि बंदे की याददाश्त क्या अगले मुस्तकबिल के प्लान भी जो है ना वो भी बता देता है। ओए, और तुम अभी तक यही बैठे हो और मेरे चाय पानी का बंदोबस्त कौन करेगा? बेग साहब, मेरी बहन को एक मौका दे, आप हमारा साथ दे। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपके सिलसिले में? बेग साहब, मेरे पास बहुत धांसू किस्म का प्लान है। ओए, तुम अभी तक इधर ही बैठे हो और मेरे चाय पानी का बंदोबस्त कौन करेगा? अरे चाय पानी क्या, मैं नारियल पानी का भी बंदोबस्त कर लूंगा, मेरे प्लान तो सुने। अच्छा अच्छा, बताओ क्या प्लान है? बेग साहब, करना आपने ये है कि उसको बातों में लगा देना,
बल्कि मैं तो कहता हूँ गन पॉइंट पे उसको गिरफ्तार करने का ड्रामा रचाएं। इतने में सीमा मैडम पीछे से आएंगी और दोबारा उसी जगह पर सर पे चोट लगाएंगी। इस तरह उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अरे बाबा आइडिया तो अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग उसको लेकर आए। ठीक है बाबा लेकर आते हैं। खबरदार डाकू हसीना, अगर तूने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा तुझे। अब तक कितने कत्ल किए तूने? 99। कितने डाके मारे हैं? 300। कानून को मजाक समझा हुआ है तूने? हसीना डाकू किसी से नहीं डरती, पूरे 11 मुल्कों की पुलिस। पता है पूरे 11 मुल्कों की पुलिस तुझको ढूंढ रही है, यही ना? नहीं, 11 मुल्कों की छोड़ के बाकी सारे मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन बच्चू, आई तो तू पाकिस्तानी पुलिस के हाथों है ना? खबरदार, अगर अपनी जगह से हिली इसको तो मैं हिलने नहीं दूंगा। आ जाए जिनको आना है। और हाँ, अब तक तूने जितने कत्ल किए हैं और जितने डाके मारे उनका तो खूब अच्छी तरह हिसाब लूंगा तुझसे। क्यों नहीं उठ रहे? आज तक जग्गा डाकू से कोई नहीं बच सका। चलो सारे अपना अपना माल निकालो। डांटने से काम नहीं चलेगा, उसे फौरन गांव भिजवाओ बस। अरे बाबा, फौरन तो बस भी नहीं जाती, उसे भी टाइम लगता है ना। मैं कुछ नहीं जानती, बस मैंने कह दिया गांव भिजवाओ तो भिजवाओ। तुम दोनों इतनी शक्ल की खूबसूरत लड़की को क्यों डांट रहे हो? हैं भाई, तुम अंधे हो ना, इसलिए तुम कह सकते हो खूबसूरत। अरे बाबा, तुम्हें कैसे पता कि ये खूबसूरत है? तुम तो अंधा है। वाकई अंधा है ना, वरना आजकल के लोग झूठ बोल के घर घुसते और चोरी करके भाग जाते हैं। ऐसा अंधा नहीं हूँ मैं, खानदानी अंधा हूँ मैडम, खानदानी। अंधा है अंधा, तभी तो इसको मेजम बोल रहा है। आखिर इस मुसीबत को यहाँ लाए कौन था? बच्चू अंकल से पूछे आप। अरे बाबा, मैं तो तरस खा कर ले आया था। तुम तरस खा के ले आया और वो घर का सारा राशन खा जाएगा। हाँ, अभी सो के उठेगा ना तो नाश्ता भी मांगेगा। क्या तुम लोगों ने मुझे अंडे के लिए बुलाया? अंडे के लिए नहीं, अंधे के लिए बुलाया है। तो भाई मेरी कौन सी चश्मों की दुकान है? अरे बाबा, एक अंधा जो है वो हमारे घर आ गया है। लेकिन मैं तो देख सकता हूँ। अरे भाई, हम अकल के अंधे की बात नहीं कर रहे, आँखों के जो अंधा है ना उसकी बात कर रहे। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।